सैफई मेडिकल कॉलेज से बच्चे का अपहरण कर तस्करी करने वाली महिला अभियुक्ता सहित कुल दो अभियुक्तों को इटावा पुलिस ने किया गिरफ्तार। इनके कब्जे से अपहरण किया गया 20 दिन का नवजात शिशु किया गया बरामद। आपको बता दें, जनपद औरैया निवासी राम प्रताप पुत्र बेंचीलाल द्वारा थाना सैफई पर सूचना दी गई थी कि जब उनकी पत्नी सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती थी तो उसी दौरान उनका एक अज्ञात महिला द्वारा बच्चा चोरी कर लिया गया था। उक्त महिला द्वारा मौका पाकर दिनांक 26/10/2023 को 20 दिन के बच्चे का अपहरण किया गया था। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना सैफई पर मामला पंजीकृत किया गया तथा बच्चे की बरामदगी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा SOG सर्विलांस एवं थाना सैफई से पुलिस टीमों का गठन किया गया। इसी दौरान आपराधिक सूचना प्राप्त हुई कि सैफई मेडिकल कॉलेज से बच्चे का अपहरण करने वाली अभियुक्तगढ़ टिमरुआ एक्सप्रेस वे पुल के नीचे कहीं जाने की फिराक में खड़े हैं। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों द्वारा एक्सप्रेस वे पुल के नीचे से एक महिला तथा एक पुरुष को नवजात बच्चे सहित 12:45 पर गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 26 तारीख को सैफई पुलिस जनपद इटावा को एक सूचना मिली थी कि 20 से 22 दिन का बच्चा कुछ लोगों द्वारा ले लिया गया है। और जब इसमें पुलिस की टीम जो है, सैफई पुलिस इंस्पेक्टर और उसकी पूरी टीम, चौकी इंचार्ज PGI और SOG सर्विलांस की टीम हमारी लगाई गई थी इसमें, और काफ़ी गहनता से इस मामले में और गंभीरता, चूँकि बच्चे का मामला था और सिर्फ 20 से 22 दिन पुराना ये बच्चा था और 20 दिन का बच्चा था और इसको चोरी हो जाने से काफ़ी सेंसिटिविटी थी। इसके आधार पर विभिन्न स्थानों पर, चाहे वो कन्नौज हो, चाहे वो मैनपुरी हो या इटावा हो या फिरोजाबाद हो, हमारी टीमें इसमें बराबर काम कर रही थी। और इसी के परिदृश्य में जो है, अभी इसमें हमने आज इस बच्चे को जो है अथक प्रयास के बाद, हमारी टीम के अथक प्रयास के बाद बरामद कर लिया गया है। और जो राम प्रताप, जो कि पीड़ित है और जिसका बच्चा है राम प्रताप, पानीपत में जो है मुर्गी फार्म में काम करता है तथा विदुना औरैया का रहने वाला है, और वहीं पर अस्पताल में ही PGI अस्पताल में भी दो भीख मांगने वाले रहते थे और उनसे परिचित हो गए थे और अपने आप को उसका परिचय विदुना का बता करके उनसे हिल मिल गए थे। और उनकी बुआ जो है, जो कि उसकी, चूँकि बच्चे की माँ जो है थोड़ा सा परेशान थी, इसलिए PGI अस्पताल में भर्ती हो गई थी और वहीं पर उसकी बुआ जो है देखभाल के लिए आई हुई थी। और बुआ के से 4 दिन से मित्रता करने के आधार पर उसने, बुआ जी ने बच्चे को इन भिखारियों को सौंप दिया था। और जैसे ही कपड़ा धुलने के लिए वो गई और यह कहते हुए कि बच्चा को ज़रा 2 मिनट देखिएगा, मैं कपड़ा धुल के आ रही हूँ, ये दोनों उस बच्चे को चुरा करके भाग गए थे, जिसके संबंध में सैफई थाने में 363/370 IPC का मुकदमा दर्ज किया गया था तथा इसे गहन प्रयास के बाद टिमरियों के पास बरामद किया गया है। और इसे सूचना मिली कि कन्नौज भी लेकर ये लोग गए थे, विभिन्न अस्पतालों में लेकर गए थे इसको बेचने के लिए। वहाँ पर चूँकि पुलिस की गतिविधियाँ तेज थी, इस नाते वो बेच नहीं पाए। अतः जो प्रथम दृष्टि लगता है कि मोटिव था बच्चे को बेचने का और पैसा कमाने का, उस संबंध में पुष्टिकारक साक्ष्य मिले हैं, जिसके आधार पर इन्हें उस अभियोग में जो है मुलजिम, एक महिला मुलजिम है इसमें और एक दयाशंकर नाम का व्यक्ति है जो कि विदुना के ही रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है तथा 370 IPC और 363 IPC के तहत इनको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ जो आपने देखा होगा कि जो बच्चा है उसकी माँ और उसके पिता तथा बुआ बेहद प्रसन्न है और निश्चित तौर से 3-4 दिन से बहुत ही परेशान थे वो जब उनका बच्चा गायब हो गया था, तो निश्चित तौर से पुलिस ने एक मानवीय दृष्टिकोण से तथा आपराधिक दृष्टिकोण से दोनों एक बहुत बड़ा कार्य किया है। इसके लिए मैंने जो है सैफई पुलिस और उसकी टीम को जो है 10,000 रुपये इनाम देने की घोषणा किया है।